हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके पहले हम एक चीज थोड़ा रिवाइज करा दें कि जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं अभी तक वो चार्ज से ही रिगार्डिंग पढ़े हैं, यानी कि चार्ज जो है वो आपका मेन आपका टॉपिक था। जो चार्ज का इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसको फिर से पढ़ लीजिए, अगर आता है तो आगे बढ़िए। तो चार्ज के बारे में आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये मोशन में हो, मोशन के मतलब अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड में हो, कॉन्स्टेंट स्पीड या वेलोसिटी इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिडी, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, और ये जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कब, जब चार्ज मोशन में हो। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो चार्ज का, सपोज दैट ये एक्सेलरेटेड मोशन हो, तब जो प्रोड्यूस होता है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत क्लियर कंसेप्ट है, लेकिन एक चीज है कि अगर केवल क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ठीक है कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा रेस्ट में रहेगा तो, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होगा लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट वॉल्यूम का, मतलब अगर ये तीन चीज पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का फर्स्ट वॉल्यूम आपका समाप्त हो जाएगा। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब चार्ज क्या चीज में रहेगा, मोशन में रहेगा, चार्ज मोशन में रहेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, करेंट का जो इफेक्ट है, अगर किसी करंट किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कहता क्या है कि द स्पेस अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बस सिंपल डिफिनेशन, ऐसे डिफिनेशन याद करने में हमको भी कष्ट होता है। तो हम लोग क्या बात किए कि द स्पेस अराउंड, देखिए स्पेस का यहां टर्म आया, स्पेस के मतलब ये मत समझिएगा कि अगर हम ड्रॉ कर दिए सर्कल में तो, या सर्कल ड्रॉ कर दिए या कुछ और ड्रॉ कर दिए उसको रीजन में मत समझिएगा, मतलब प्लेनर चीज नहीं समझिएगा, उसको समझिएगा कि अगर एक बल्ब जल रहा है तो जिस तरह से बल्ब का रोशनी चारों तरफ से फैलता है उसी तरह से किसी भी सोर्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा था, अगर चार्ज का लेते थे, पॉइंट चार्ज लेते थे तो एक स्फेयर का हम कल्पना कर रहे थे कि एक स्फेरिकल शेप में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट जो है वो इमिट कर रहा हो, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ स्पेस में वो एक तरह से फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पेस में, ये ध्यान रखिएगा। स्पेस के मतलब क्या, इसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब का प्रकाश जिस तरह से चारों तरफ फैलता है उस तरह से ये स्पेस है। किसके अराउंड में, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके स्पेस में क्या प्रोड्यूस होगा या जो एक्सपीरियंस होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, आइदर रिपल्सन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। अगर दो मैग्नेटिक है, निडल है या कंपास है या मैग्नेट है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रिपल्सन फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है शो करेगा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल बी से, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात, इसका और भी नाम है, कोई कोई लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहता है,
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहता है, ठीक है, और इसको इंटेंसिटी भी कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बाद में इसका डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है इसको बी को ही कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से ही काम चला लेते हैं शॉर्टकट में, है ना, ठीक है। इसका एस आई यूनिट जो होगा, एस आई यूनिट जो होगा वो टेस्ला होता है, टेस्ला, ठीक है, टी। और सीजीएस यूनिट को गॉस कहते हैं, सीजीएस यूनिट को हम लोग इसको बोलेंगे गॉस, वही स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और कैपिटल से, जो बार बार बताते हैं हम, ये स्मॉल से पूरा लिखेंगे और कैपिटल जी होगा सीजीएस यूनिट। अच्छा, अगर इसको एमएस वगैरह में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है जो अभी आप लोग को बता देते हैं, लेकिन ये बाद में भी पढ़ सकते थे कि एफ इक्वल टू क्यू भी एक फॉर्मूला है, क्यू भी ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसके बारे में हम नहीं बताए हैं। तो बी तो यहाँ है, तो इसलिए बी इक्वल टू एफ बाई क्या लिख सकते हैं, क्यू भी। तो ये इससे भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन हम लोग को याद रखना है टेस्ला एंड गॉस, इसका रिलेशन भी होता है कि वन टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power। अब देखो इसमें है कि 4 गॉस है ये, कि क्या है इसको देख लेना, अब कैसे, अब देखिए इसमें देखिए फोर्स का हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स बाय कितना लिखते हो, क्यू, ठीक है। एसआई में, एसआई में क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय कूलम मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 10 to the power 5 डाइन, और 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एयर कूलम। देखिए यहाँ पे एयर कूलम इस्तेमाल कर रहे हैं सीजीएस, आप समझ गए होंगे आप लोग, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 100 क्यों लिखे, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेकंड तो सेकंड ही रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 to the power 5, ये 10 से 10 कैंसिल -1, तो 10 to the power 4 हो गया ना सीजीएस में, ये 10 to the power सीजीएस हो गया, यानी कि एक, ये तो हम टेस्ला बोले इसको, तो एक टेस्ला इक्वल टू 10 to the power 4 क्या निकल गया, गॉस निकल गया। तो देखिए एक बात समझ में आया होगा आप लोग को यहाँ पे कि ये जो वैल्यू हम लोग लिए हैं, देखिए ये ईएसयू में नहीं लिए हैं, ये क्या चीज में लिए, एब कूलम में लिए। आपको बताते हैं क्यों लिए, क्योंकि जब चार्ज मोशन में रहता है तब हम लोग उसका सीजीएस यूनिट क्या लेते हैं, एब कूलम लेते हैं, है ना, और करेंट का यूनिट क्या लेते हैं, बायोट लेते हैं, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए हैं एब कूलम, है ना, इसको अपने ईएसयू नहीं लीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, यही ओरेस्टेड साहब हैं जो करेंट को और मैग्नेटिज्म को जो सेपरेट सेपरेट पहले लोग समझ रहा था पढ़ रहा था उसको कंबाइंड कर दिए। कैसे कंबाइंड किए, देखिए उन्होंने क्या किए, एक सेटअप लिए, सेटअप में क्या लिए, एक कंडक्टर को इस तरह से कंडक्टर कंसीडर किए, ठीक है, और इसमें एक सेल लगा दिए, ऐसे सेल या बैटरी जो भी पावरफुल 2-3 लगा दीजिएगा तो बैटरी हो जाएगा, एक स्विच जनरली लगाना ही चाहिए सर्किट में, स्विच लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या किए इन्होंने, जब एक नीडिल को इसके नजदीक में रखे, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, ये ऑब्जर्व किए थे ये नीडिल, और नीडिल का जो ध्यान रखिएगा जो ये पार्ट है, ये जो रंगा हुआ पार्ट रहेगा, ये जो आपका ये जो टिप पे पड़ा रहता है रंगा हुआ, तो ये नॉर्थ होता है, रेड कलर से रहता है ना, तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ होता है, ये पाइवोट रहता है सेंटर से, सेंटर से पाइवोट है, ये कंपास नीडिल है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपास नीडिल, क्योंकि और ये कंडक्टर है, जब यहां से करंट जो है आपका फ्लो करेगा, सपोज दैट इसमें से करंट फ्लो किया, यहाँ करंट आया, इसमें करंट कहाँ जाएगा, करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, तो करंट नीचे की ओर हुआ तो लगा कि इसमें जो है जब नॉर्थ, देखिए ये तो आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है और इसका साउथ है, जब करंट नॉर्थ से साउथ की ओर आता हो तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की ओर होता है एनएसई, और जब करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो करंट यहां कहां से आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर करंट आ रहा है, जब नॉर्थ से साउथ करंट आ रहा है तो डिफ्लेक्शन कहां होगा, ईस्ट की ओर डिफ्लेक्शन हुआ, इधर डिफ्लेक्शन हुआ ईस्ट की ओर,
अब तो ओरेस्टेड साहब समझ में आया कि यहां तो कोई मैग्नेट है नहीं, तो आखिर में ये निडल क्यों डिफ्रैक्ट किया? क्वेश्चन तो बड़ा रीजनेबल था उस समय कि ओरेस्टेड साहब इस चीज को नोटिस किए कि जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस तरह से अचानक न्यूटन्स का सेव गिरा था, न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन लॉ दे दिया, उसी तरह से ओरेस्टेड साहब के भी अचानक ये दिमाग में बात आया कि यहाँ कोई हम मैग्नेट को रखे नहीं है, जब मैग्नेट को नहीं दिए हैं तो ये कंपास को डिफ्लेक्शन हुआ कैसे? तो डिफ्लेक्शन होने के पीछे अब एक रीजन खोजिए कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कंक्लूजन यही निकला। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, ये कहानी है। बहुत अच्छा ओरेस्टेड साहब का, इसीलिए ओरेस्टेड साहब इस चैप्टर के हीरो बन गए। कैसे हीरो बने? क्योंकि ये पहला बार ऐसा कुछ बताए थे। इनके बारे में फ्राडे साहब भी बड़ा अच्छा कमेंट किए थे, उसको हम ईमेल में डाल देंगे, देख लेना। तो कहने का मतलब है कि फ्राडे उस समय लीडिंग साइंटिस्ट थे, ओरेस्टेड भी उस समय आए, ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे शो किए? तो निगेटिव डिफ्लेक्शन। याद करने का ही तरीका याद रखिएगा कि अगर नॉर्थ से साउथ करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ईस्ट की ओर होगा। अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कहां होगा? वेस्ट की ओर होगा, है ना। जब करंट यहां जो करंट है, ये करंट का डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ की ओर करंट आ रहा है। जब करंट नॉर्थ से साउथ की ओर आएगा तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की ओर, और अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? वेस्ट की ओर होगा। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड का। हाँ, तो एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बायोट सेवर्ट्स लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैपलस लॉ। ये एक ऐसा लॉ है जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ने का एक फॉर्मूला दे दिया, बहुत फेमस, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते थे अलग अलग केस में, जैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, है ना। तो इसके मदद से हम निकाल सकते हैं, चार्ज रड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, लेकिन अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड, इनफिनाइट रॉड, दीज ऑल दैट सब निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। यानी कि इसमें लिखे भी हैं कि बेसिक लॉ है किसका? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। ये लॉ कहता क्या? ये लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक, मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर को लिए, इस कंडक्टर को एक्स वाई कुछ भी नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए सपोज दैट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट से हम इसको ये आर दिए, डिस्टेंस आर दिए, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। ये जो एंगल ले रहे हैं वो थीटा एंगल ले रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा कंडक्टर के कारण निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक करंट एलिमेंट, हाँ एक बता देते हैं कि करंट एलिमेंट होता क्या है, आईडीएल। तो आईडीएल जो होता है आई इंटू डीएल, दिस इज कॉल्ड करेंट एलिमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, करेंट एलिमेंट। जो भी ये बात करेंगे हम लोग बायोट सेवर्ट्स लॉ में, वो करेंट एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड दिए। कौन? बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये एक्सपेरिमेंट में बताए क्या, जो ये करेंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा उसको डीबी बोले उन्होंने। डीबी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है।
ड्यू टू अ स्मॉल करेंट एलिमेंट क्या आईडियल, करेंट एलिमेंट आईडियल, जो आईडियल ले रहे हैं उसके कारण से डीवी क्या है, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। उन्होंने क्या कहा एक्सपेरिमेंट के दौरान कि डीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईडियल का। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए एक्सपेरिमेंट किए कि पहला बात बोले वो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करेंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा उन्होंने बात क्या बोले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ सब जगह फेमस है, तो उसी तरह से बोले कि डीवी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीसरा बात और बोले क्या कि डीवी जो है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। लीजिए तीन तीन बात वो समझा दिए। अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ या बायोट, बायोट एंड सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे इसलिए दोनों के नाम पे पड़ गया बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और हम लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 तीनों इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे और एक फॉर्मूला बना देंगे आईडीएल और क्या आर स्क्वायर और ऊपर में लिखेंगे साइन थीटा। एक बात आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, उसको लिख दीजिए कांस्टेंट a इनटू आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी a को हम लोग बाद में वैल्यू निकाला गया कि म्यू नॉट बाय 4 पाई। और आप समझ ही रहे हैं ये टेस्ला हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो टेस्ला पर एम्पियर बोलेंगे इसको। देखिए कैसे, ये एक मीटर रहेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर एक मीटर आ जाएगा, डीएल से डीएल कैंसिल हो गया, एक लेंथ से कैंसिल हो गया तो बच जाएगा टेस्ला मीटर। तो ये हो गया ये वैल्यू, यानी टोटल फॉर्मूला जो हम लोग निकाले डीबी का वो टोटल फॉर्मूला हो जाएगा डीबी का, डीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आईडीएल साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। ये तो आपका मैग्नीट्यूड इससे निकल जाएगा ये फॉर्मूला से, यही बायोट सेवर्ट्स ला दिए। लेकिन इसको अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहिएगा, इसको क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे समझिए पहले। तो ये डीबी वेक्टर लिखे हम, इसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दिए, आईडियल वेक्टर में लिखेंगे तो क्रॉस आर कैप लिखे ना, आर कैप लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आर स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको लिखे कि डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखेंगे तब नीचे आर क्यू हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का नॉट। अब हमको टोटल इंटीग्रेशन करके निकालना होगा, अगर हम ये लिखे कि बी इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखे, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई, तब आप क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा किसका डीवी का। तो डीवी का इंटीग्रेशन जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होगा, अगर ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इस कंडक्टर के कारण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हाँ एक और डायरेक्शन की बात, क्या आखिर में इसका डायरेक्शन होगा किधर, डायरेक्शन अभी छूट रहा है पॉइंट, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए आप वहां देख रहे होंगे कि ये जो डीबी का वेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दो चीज निकलता है, एक तो पहले राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल
जो आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हो आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल एक इससे निकालते हैं। दूसरा जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इससे भी आप निकालते हैं यूनिट वेक्टर आई जे के, है ना, आपको याद होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और आईडीएल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आईडीएल क्रॉस आर मतलब डीबी जो होगा, ये देखिए अगर इसमें ध्यान रखिएगा, यहां बहुत फेमस दो डायरेक्शन आएगा। अगर सर्कल करके कोई पॉइंट जानते हैं आप लोग, सर्कल करके अगर पॉइंट लिखते हैं जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑटोबॉर्ड, मतलब ये आपके तरफ डायरेक्शन होगा, और क्रॉस करके ऐसे सर्कल करते हैं तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर डॉट लिख रहे हैं मतलब ये जो डॉट दे रहे हैं और डीबी लिख रहे हैं मतलब ये आपके तरफ हुआ, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हुआ बाहर की ओर, और अगर क्रॉस कर रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड हुआ। तो डायरेक्शन निकाल लेंगे दो मेथड से, राइट हैंड थंब रूल, आइडियल वेक्टर, तो डीएल आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस ओ, आइडियल क्रॉस आर, देखिए आइडियल क्रॉस आर ये अंदर की ओर होगा, यहां गलती हो रहा है, इसको क्रॉस कर दीजिए। हाँ देखिए आइडियल क्रॉस आर है तो आइडियल इधर है, तो आइडियल क्रॉस आर तो कहां गया, अंदर की ओर गया, आइडियल क्रॉस आर तो ये कहां चला गया, अंदर की ओर, परपेंडिकुलर इनवर्ड है मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एकदम परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, ठीक है। मतलब एक तीर चल रहा हो और तीर आपसे दूर जा रहा हो, है ना, तो आपको क्रॉस वाला पार्ट आपको दिखेगा, इसलिए यहां क्रॉस लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। एक बार फिर बताते हैं, बायोट सावर्ट्स लॉ एक बेसिक लॉ है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ता है। कैसे जोड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट लिए हैं और निकाल रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को जोड़ रहा है। तो कहता है कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, जो जो करंट एलिमेंट ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी है, ठीक है। और ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का। अगर ये तीन इक्वेशन को आप देख लीजिएगा तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, स्केलर फॉर्मेट में ये निकलेगा, कांस्टेंट का वैल्यू ये आपका आया है, वेक्टर फॉर्म में ये लिखे हैं, और डायरेक्शन कैसे निकालिएगा, तो आइदर राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, एक और है मैक्सवेल स्क्रू रूल से भी आप निकाल सकते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल से, है ना, मैक्सवेल स्क्रू रूल, ये सब आप लोग को पढ़ाया हुआ है स्क्रू रूल, इस सब को हम चर्चा भी नहीं करेंगे, आप जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हैं, आई जे कर लीजिएगा, अब आई क्रॉस जे, है ना, ये पढ़े होंगे आप लोग आई जे के, है ना, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर तो क्या बचता है, के वेक्टर, आई क्रॉस जे तो के वेक्टर हो गया, जे क्रॉस के कोई कहेगा, जे क्रॉस के कहेगा, जे है के है तो आई बचेगा, अगर के और आई है तो इस तरह से आप लोग जानते हैं, उल्टा भी करके दिखा देते हैं, एक उल्टा में कैसे लीजिएगा, रिवर्स में आई क्रॉस को के कह दिया, आई क्रॉस के कह दिया, उल्टा चल रहा है आई क्रॉस के, कितना हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहिएगा, और ये क्या लिखे हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि थंब को रखिए इस तरह से और फोर फिंगर को कर्व कीजिए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर, तो कहां चला गया, अंदर में चला गया, मतलब आईडीएल से आप मूव कीजिए और आर की तरफ ऐसे, तो कहां चला गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है कि बायोट सावर्ट्स लॉ को के हेल्प से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो उस पे आते हैं, उसका कैसा फिगर होगा, तो ऐसा हम एक लूप ले रहे हैं, लूप लेंगे एक सर्कुलर लूप ही पहले कंसीडर कर लीजिए ऐसे, ठीक है, एक कंसीडर कर लीजिए लूप, और इसमें दिखाइए कि करंट, हम ये पूरा सर्कुलर लेंगे लेकिन करंट तो कहीं से दिखाना पड़ेगा ना, करंट आ रहा है करंट जा रहा है इस तरह से। तो जैसे ही ये हम एक सेंटर पे, इस पॉइंट पे सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जो टॉपिक लिए है। अब इसका जो रेडियस है आप उसको मान सकते हो, रेडियस को मानोगे क्या, मानोगे ए मान लो, ठीक है, रेडियस ए मान लिए।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगा वह इसके टेंजेंट होता है। ये करंट है, यहां से ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट एलिमेंट मानिए आईडीएल, ये करंट एलिमेंट हुआ आईडीएल, दिस इज द आईडीएल, ये करंट डायरेक्शन में होगा, करंट एलिमेंट आईडीएल, ठीक है। अब ये तो आपका R मान लीजिए, इसको ये R होगा जो अभी R हम लोग पढ़े थे, और ये दोनों के बीच का एंगल होगा, एंगल कितना दिख रहा है, एंगल तो 90 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर इस पॉइंट पर फील्ड कैसा होगा, तो फील्ड कैसा होगा आपको दिख ही रहा है कि फील्ड कैसा होगा, यहां पे फील्ड इनवर्ड होगा, गौर से हाथ घुमाइए बस ऐसे, कर्ल फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब कहां जा रहा है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर हो गया, ये अंदर की ओर डीबी हुआ। तो डीबी का वैल्यू कितना लिखे, क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि डीबी का वैल्यू कितना लिखे, ठीक है हम लिख रहे हैं, तो डीबी का जो वैल्यू होगा आपका, डीबी इक्वल टू आप जान ही रहे म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिखिए आईडीएल वेक्टर, क्रॉस क्या लिखिएगा आर वेक्टर बाय आर क्यू लिखते हैं, और स्केलर फॉर्म कैसे लिखिएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, और आईडीएल साइन थीटा लिखिएगा बाय क्या लिखिएगा आर स्क्वायर। अब देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आप लिख दिए, आईडीएल साइन थीटा कितना होगा साइन 90 डिग्री, और एक बात याद रखिएगा पिछले टॉपिक में नहीं बताए, थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा कि एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर होगा, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी नहीं कि बताया हुआ रहता है और दो वेक्टर आपका दिया हुआ है, मतलब ये दो वेक्टर के बीच का ही वो एंगल होगा, तो साइन 90, तो क्या हुआ आर, तो डीबी का वैल्यू हम निकाल दिए कितना आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाई आर स्क्वायर, ये तो आपका आया इस करेंट एलिमेंट के कारण इस सेंटर पे आया, लेकिन ऐसा ऐसा करेंट एलिमेंट तो ढेर सारा है पूरे सर्किल पे, तो ढेर सारा है, तो कितना होगा भाई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप कितना होगा, तो ये तो सिंपल आप लोग पढ़ते आए कि इंटीग्रेशन कर दिए सर, ठीक है कर दिए इंटीग्रेशन, कहां से कहां करे है? मन में आ रहा है ना बात, कहां से कहां करे, चलिए हम करते हैं आई बाई आर स्क्वायर, तो डीएल, डीएल मतलब क्या लेंथ ही ना है, ये करंट को बाहर कर ले जो कांस्टेंट है, तो डीएल कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर के 2πa तक, मतलब 2π रेडियस तक है ना, 2π रेडियस तक, और रेडियस कितना है एक, तो बाद में हम तो तय करेंगे, अभी आर ही ले रहे हैं उसको, ठीक है, तो 2πr, जीरो से लेकर 2πr, तो आप जानते ही हैं कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है एल होता है, तो अब क्या करेंगे इसको म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है आई अपॉन आर स्क्वायर, ये एल होता है, अपर लिमिट जीरो, ऊपर में क्या हो जाएगा 2πa, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π आई बाई आर स्क्वायर 2πa, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इसको हम लोग 2πa लिए हैं, 2πr भी ले सकते हैं, 2πr ही लीजिए तो कैंसिल करने में अच्छा रहेगा, तो 2πr लिए, r को बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो b इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 4π और क्या लिखे 2πi बाई r आ गया, ठीक, r को हम लोग लिए हैं कितना a लिए हैं, आर को ए लिए हैं तो ए ले लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है, और ये हो जाएगा 2πi/a, ये फॉर्मूला हुआ, एक टर्म हुआ तो ये, अगर एन टर्म ऐसा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ले लीजिएगा 4π और 2πni कर दीजिए, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो केवल उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और म्यू नॉट क्या है, तो आप लोग को म्यू नॉट पता है, ये परमियबिलिटी है, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा इस पे आते हैं जो हम लोग निकाले अभी है ना,
इस पोर्शन पे आते हैं कि ये पोर्शन क्या कह रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये हम लोग लगाए फॉर्मूला निकाले और ये जो है फोर म्यू नॉट बाय फोर पाई, अगर एन होगा एन टर्न होगा तो टू पाई एन आई होगा, अगर सिंगल टर्न होगा तो टू पाई आई होगा। एक और इसमें समझने वाली बात है, क्या समझिएगा, अगर कोई लूप ले रहे हैं आप ठीक, अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से डायरेक्शन, इस तरह से मतलब ये ऐसे देखिए, मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये घड़ी है ना, ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब ये लेफ्ट से राइट चल रहा है, घड़ी कैसे चलता है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल डेवलप करेगा, साउथ पोल। और अगर ये घड़ी के उल्टी दिशा में चलता हो ऐसे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, है ना, ये घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये एंटी क्लॉक होगा ये ऐसे ठीक, ये साउथ, ये उल्टी दिशा में चल रहा है तो एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक होगा तो नॉर्थ पोल डेवलप करेगा। ये होता क्या है भाई, तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा लूप है, मान लीजिए दिखा रहे हैं एक ऐसा लूप है, इस लूप को पहले भी तुम परिचित हो, तो ये लूप में अगर ये करंट जो है, ये करंट अगर ऐसा कोई लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, इस तरह से, तो ये पोर्शन जो कहलाएगा साउथ पोल कहलाएगा और ये पोर्शन क्या है नॉर्थ पोल कहलाएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो ये पोर्शन नॉर्थ होगा और अपोजिट पोर्शन क्या होगा साउथ होगा। तो ये था आपका ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और ये जो है आप पढ़ चुके हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें और उसमें अंतर ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन हो रहा था क्योंकि वहां पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन इस केस में जो होगा देखिए ये जो केस होगा ये सेंटर यहां है और इस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट आपका ये है पी पॉइंट ये है और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन इधर है और यहां जो है करंट एलिमेंट ले रहे हैं, कुछ हल्का सा एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं आइडियल वेक्टर, ठीक आइडियल वेक्टर ले रहे हैं और ये ओवल शेप है ठीक है। तो जब ओवल शेप है मतलब कोई रिंग रखा हुआ है, रिंग ऐसे रखा हुआ है इस तरह से और करंट इसमें फ्लो कर रहा है आपके तरफ ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर और हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां निकालना है इस पॉइंट पे निकालना है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे उस समय यही चीज सेम केस था, तो ये स्ट्रेट लाइन था डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन यहां स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि ये आपका करंट एलिमेंट है ऐसे, ये करंट एलिमेंट है और ये आर वेक्टर है ठीक है, ये आर वेक्टर है, इसको यहां फिक्स अगर कर देते तो ठीक रहता, जरा फिक्स करने का हम प्रयास करते हैं ठीक है, फिक्स कर देते तो अच्छा रहता, थोड़ा अटका रहता तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर टाइट है ही अटका रहेगा, ये करंट एलिमेंट है और ये जो करंट एलिमेंट आप देख रहे हैं ये आर वेक्टर है और ये जो एंगल है दोनों के बीच का एंगल है, और एक गौर कर रहे होंगे आप लोग यह एंगल हमेशा 90 पर होगा है ना कुछ एंगल बनेगा तो ये आपका ये होगा, ये भले थीटा है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, ये जो डायरेक्शन बन रहा है इसमें आर वेक्टर का, ये देखिए ये आपका आर वेक्टर है, यहां से यहां तक आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर, और ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा डीबी, ये कहने का मतलब डीबी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डीबी, ये तो समझना होगा आपको भाई, कुछ है फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ इमेजिनेशन भी करना होगा कैसे डायरेक्शन होगा, करंट एलिमेंट आपके तरफ है मतलब आईडीएल परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपके तरफ है और कोई भी सर्किल आप ले रहे हैं, कोई भी आप सर्किल लीजिएगा तो सर्किल से देखिए, सर्किल से जो प्लेन कट, ये जो सर्किल आप लीजिएगा
इस प्लेन का जो एंगल होगा ये दोनों के बीच चाहे कैसा भी हो, ये एंगल जो होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब द एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि द एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। ये समझना होगा, अपने समझना होगा, है ना। हम समझा दिए हैं लेकिन इसको थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए कि कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल आप ले लीजिए, सर्कल पे जैसे ही आप ये रखिएगा तो इस पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिएगा इस तरह से, तो ये और ये एंगल देखिए यहां बन रहा है, अब अच्छा से बन रहा है। आप इसको चाहे ऐसे रखिए, आर को ऐसे रखिए, चाहे जैसे भी रखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमेशा 90 होगा, चाहे ये झुक जाए कैसा भी हो जाए, लेकिन ये चूंकि ये करेंट एलिमेंट है, अच्छा करेंट एलिमेंट उल्टा कर दिए तो कोई बात नहीं, सीधा कर लीजिए, है ना। कैसा भी कर लीजिए आप, ऐसा रखिए, जैसा भी रखिए, ऐसा रखिए, ये आर है, ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये आर है और ये आइडियल है। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा आप इतना भी झुका दीजिएगा तब पर भी ये एंगल ये 90 ही बनेगा, है ना। ये भले थीटा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ, ये एंगल है, ये एंगल को हम ले रहे हैं, ये एंगल थीटा है ना। लेकिन इसके पास जो बन रहा है कौन कौन, ये आर और ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 बन रहा है। इसको समझना होगा, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर और करेंट एलिमेंट के बीच में जो बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री है, जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो प्रॉब्लम होगा। और जैसे आप लोग लिखते हैं क्या लिखिएगा, कंसीडर आ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, क्या मानते हैं, ए वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये जो भी आप अपना, ये तो एग्जामिनेशन के पर्पज से आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि डीबी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडियल साइन 90 डिग्री, जो कि था पहले फॉर्मूला पहले दे, चलो पहले घूम लेते हैं, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ इसके अनुसार। तो अब जो है लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडियल साइन 90 डिग्री बाई या आर स्क्वायर, तो डीबी जो हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और आईडियल बाई आर स्क्वायर। तो इतना आसान तो नहीं होना चाहिए कि हाँ सर बहुत आसानी से बन गया, नहीं इतना आसान तो नहीं होगा। फिर आपको एक एलिमेंट का ही निकाले ना, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट होगा। ये आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। अब देखिए ये गौर कीजिएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट इधर जो कंपोनेंट तोड़िएगा वह हो जाएगा डीबी साइन थीटा होगा। तो जिस तरह से ये लूप माने हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो अगर ये इस पॉइंट पर एक लूप कंसीडर कीजिएगा, आईडियल वेक्टर कंसीडर कीजिएगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये अंदर की ओर होगा, ये जल जाएगा अंदर, ये इनवर्ड है, ये जो करंट एलिमेंट है ये इनवर्ड की ओर जाएगा, ठीक है, और ये करंट एलिमेंट है जो आउटवर्ड की ओर जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके तरफ है ना, तब आपका डायरेक्शन डीबी होगा। तो इसके कारण जो होगा, जो ये एलिमेंट बनाइएगा तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। ये भी थीटा पर ही लेते हैं ताकि कैसे हो जाएगा, अपोजिट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और इसके कारण जो बनेगा एक और डीबी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डीबी कॉस थीटा एंड डीबी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है इसलिए कैंसिल होगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब तो आप लोग को आ गया होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हम लोग निकालेंगे
वह इंटीग्रेशन होगा किसका होगा डीबी का, और डीबी क्या लिए हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और आईडीएल है ना, आईडीएल अब आई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्चुअल में डीबी साइन थीटा होगा तो साइन थीटा भी यहां लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन करेंगे। अब रहा कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो किसके टर्म में करें, कौन सा लिमिट लें, क्या करें, इसके बाद मैथमेटिकल प्रोसेस है बता दीजिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे एक क्लोज लूप में करेंगे। और ये तो आप जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि ये आपका वैल्यू क्या होगा, ये आपका ए है, ठीक, साइन थीटा आप लोग जान रहे हैं, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है ए, तो ए लिख दिए, हाइपोटेनस कौन है आर, तो आर लिख दिए, और ये सेंटर ओ से पी तक के जो डिस्टेंस है इसको आप एक्स मान लीजिए, तो आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर का होल रूट पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब जो है कहानी ये है कि अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, कैसे कैसे पुट करेंगे देखिए, हम म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, आई डीएल तो नहीं, आई साइन थीटा कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब बचा क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा 2 पाई ए होगा, सर्कमफेरेंस से 2 पाई ए होगा, मतलब 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। तो अब जो वैल्यू इसका होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखेंगे इसको, और आई लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं ए बाई आर, तो ए बाई आर कर दीजिए, यहां तो आर स्क्वायर था ही, ए बाई आर कर दीजिए, ठीक है। और ये क्या लिखेगा डीएल जो है वो 2 पाई ए कहलाएगा, 2 पाई ए माइनस 0, क्योंकि आप लोग जानते हैं विकल्प बताए थे कि डीएल का एल होता है और एल के जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को निकला वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर बाई आर की, देखिए 2 पाई ए, अच्छा एक आई छूट रहा है ना, 2 पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक। अगर n टर्म्स होगा तो n टर्म्स लगा देंगे, लेकिन अभी r का वैल्यू बाकी है, देखिए ये r का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे कि सिंस r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा फाइनल b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, देखिए ये ठीक है। अब इसको एक समझना होगा बात को कि अगर एक्स का वैल्यू मच ग्रेटर देन ए होगा तो ए टेंड्स टू 0 कर दीजिए, बहुत बड़ा है ए का कोई खास बात नहीं लेंगे, है ना, एक्स बहुत बड़ा है ए के रिस्पेक्ट में, मैंने बहुत दूर पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे ए को 0 कर देंगे, तो ए को अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो वैल्यू होगा बी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर। अच्छा ये एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछा था, ये हो जाएगा एक्स पे पावर ठीक क्यू, एक पूछ लिया था क्या कि सर ये तो 0 कर दे रहे हैं तो ये 0 क्यों नहीं होगा, एक्चुअल में कंपैरेटिवली 0 होता है ना, ये नहीं कि ये 0 होता है, कंपैरेटिव 0 होता है, हाँ जो a का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं वो x के रिस्पेक्ट में a 0 है, ना कि a का वैल्यू 0 है, इसलिए एक फॉर्मूला ऐसा होगा। तो केस नंबर 1 अगर आप डील कीजिएगा तो केस नंबर 1 ये हुआ, केस नंबर 2 डील कर रहे हैं मतलब क्या, ये अगर हम कह दे कि x का वैल्यू 0 है मतलब एट सेंटर ऑफ लूप कह दे, है ना, केस ये आया, ये एट सेंटर ऑफ लूप क्या होगा, तो एट सेंटर ऑफ लूप जो होगा तो x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में, कौन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, तो जो b का वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आप लिखेंगे और 2 पाई आई लिखेंगे, 2 पाई आई ए स्क्वायर, अब आई एक्स, ये तो आपका एक्स क्या किए 0 किए हैं,
तो ये हो जाएगा ए पी, और ये जो बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई फोर पाई और टू पाई आई बाई ए। कहाँ अभी को डिराइव किए थे इसको याद आ रहा, ये जो अभी पिछले केस में डिराइव किए थे म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई आई बाई ए, अगर एन टर्म्स होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस केस में भी अगर एन टर्म्स होगा तो एन टर्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये था आपका, इसको अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना जरूरी है, और दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप इसको समझिएगा कि दो बात समझिएगा कि ये लूप कैसा है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वर्टिकल ऐसे रखा हुआ पहला बात। दूसरा पॉइंट हम ये है कि ये जो करेंट एलिमेंट आप कंसिडर किए हैं वो करेंट एलिमेंट जो ऊपर वाले पोर्शन में इधर है, करेंट एलिमेंट इधर है आपके तरफ, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन में जो करेंट एलिमेंट है वो ऐसे है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो अगर हम एक करेंट एलिमेंट को इसको इधर ले रहे हैं, रेड वाला जो ले रहे हैं ये आर है, तो दो बात समझना है। एक तो समझना है कि इसके इसके बीच का जो एंगल है वो हमेशा 90 होगा, कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, यहां भी ले लीजिए, करंट एलिमेंट आप यहां भी ले लीजिएगा, तब पर भी वो 90 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, 90 ही रहेगा, कहीं भी 90 रहेगा। और ये तो कांस्टेंट दूरी पर लिए हैं तो ये भी थीटा चेंज नहीं करेगा, ये थीटा चेंज नहीं करेगा, ये 90 नहीं चेंज करेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट पी को और दूर ले जाइएगा या और नजदीक लाइएगा तब थीटा चेंज करेगा, लेकिन 90 तभी भी नहीं चेंज करेगा, उस केस में भी 90 ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट आप ले रहे हो ये करंट एलिमेंट इधर है और ये इधर है, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आईडीएल क्रॉस आर, तो आईडीएल तो इधर है और आर उधर है, तो आईडीएल क्रॉस आर कहां होगा, परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन है मतलब ऐसा प्लेन है, तो ये ऐसा प्लेन है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर, देखिए प्लेन का परपेंडिकुलर ऊपर में डीबी दिख रहा है ना, ये प्लेन का परपेंडिकुलर डीबी होगा, ठीक है। उसी तरह से इस प्लेन नीचे वाला प्लेन का परपेंडिकुलर डीबी होगा, इसलिए हर प्लेन पर एक दो पेयर बनेगा और प्रत्येक पेयर में जो जो इक्वल एंड अपोजिट होगा वो कैंसिल करेगा और एक फील्ड जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वह डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, या अलोंग एक्स एक्सिस लिखिए या अलोंग ओपी लिखिए, दोनों में से कोई लिखिएगा। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक ये टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके कारण से हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या बताएं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले एक करंट स्मॉल एलिमेंट मानना होगा, इस करंट एलिमेंट को मान करके इस पॉइंट पर एक जो है इस पॉइंट पे एक डीबी निकालेंगे, डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मान लीजिए कि ये फाई वन है, तो फाई वन होगा तो इसको आप आर ले लीजिए, ठीक है, ये आर वन हो गया, ये आर हो गया, फाई वन है। उसी तरह से आप ये देखिएगा कि आईडीएल है और क्रॉस आर है और ये थीटा है, तो आईडीएल क्रॉस आर तो कहां होगा, अंदर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, ठीक है, तो उसको हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा डीबी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा आईडीएल क्रॉस आर इधर होगा, आर इधर है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, या आर कैप कर दीजिए इस डायरेक्शन में है, तो आईडीएल क्रॉस आर कहां जा रहा है, अंदर की ओर, डीबी कहां होगा, अंदर की ओर। तो सबसे पहले डीबी जो है हम लोग लिखेंगे कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करेंट एलिमेंट आईडीएल, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट आईडीएल, ये मेथड
रोटेशनल मोशन से ही चलते आ रहा है कि छोटा सा एलिमेंट मानिए प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर दीजिए आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट आई। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, तो जो फॉर्मूला चाहिए पहले फॉर्मूला क्या है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और आईडीएल क्या होता है साइन थीटा और बाई क्या होता है आर स्क्वायर, इतना ही तो बात होती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को फाई के कंसेप्ट टर्म में हम तोड़ना चाहेंगे, ये फाई के टर्म में, और इसको मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं इस सेंटर से एल डिस्टेंस पर ले रहे हैं, आप मान लीजिए ये डिस्टेंस एल जो एलिमेंट लिए है वो एल डिस्टेंस पर एलिमेंट लिए, ठीक है, और तब हम लोग लिखेंगे कि टैन फाई का वैल्यू टैन फाई वन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ तो एल एल बाई ए, इसको फाई ही रहने दीजिए फिलहाल, टैन फाई ही लेंगे, ठीक है टैन फाई। अब देखिए इस केस में दो बात गौर करने दिया है, एक डीएल का और एक साइन थीटा का। ये थीटा हमेशा वैरी करेगा, क्यों वैरी करेगा, क्योंकि अगर आप एलिमेंट यहां लेते हैं तो थीटा कुछ और होगा, एलिमेंट अगर यहां लेते हैं तो थीटा कुछ और होगा, एलिमेंट यहां लेते हैं थीटा कुछ और होगा, इसलिए ये टर्म वेरिएबल है। यहाँ पे डीएल एंड साइन थीटा ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल ध्यान देने लायक है, तो दोनों को थोड़ा कुछ करना होगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, करना पड़ेगा ही हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा काम कीजिए कि tan phi लिखे हैं तो a इक्वल टू a tan phi हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो dl by d phi इक्वल टू da tan phi अब y क्या हो जाएगा d phi, डीएल बाई डी फाई को हम उतना ही रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और ए हो जाएगा डी टेन फाई और बाई डी फाई हो जाएगा। तो डीएल बाई डी फाई को आप क्या लिखोगे, डीएल बाई डी फाई को लिखोगे से ए से का स्क्वायर फाई, ठीक है, यानी कि डीएल का जो वैल्यू हम लोग को निकालना होगा वह ए से का स्क्वायर फाई और डी फाई हो गया। ये इक्वेशन हमको मिल गई, इक्वेशन वन इसको मान लीजिए, इक्वेशन टू इसको मान लीजिए, तो एक काम तो हो गया, ये डीएल का वैल्यू हम लोग को निकल गया। दूसरा केस में क्या देखेंगे कि थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को आप लिख सकते हैं ये तो 90 हुआ, तो थीटा को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 5, लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस 5, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5, और ये हो जाता है कॉस फाई, बड़ा अच्छा बात है ना, और कॉस फाई का वैल्यू आप जो है लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो ए बाय आर, बेस क्या है ए बाय आर, कॉस फाई इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और ये लिख सकते हैं ए बाय आर, मतलब हम लोग अब तैयार हैं नया इक्वेशन आने के लिए। हम लोग के पास डीएल का भी वैल्यू निकल गया, साइन थीटा का भी वैल्यू निकल गया, बस हम क्या करेंगे अब ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल एंड साइन थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीएल एंड साइन थीटा इन इक्वेशन वन, क्लियर है, इक्वेशन वन कैसा है भैया, इक्वेशन वन है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और है आई बाई क्या है आर स्क्वायर, डीएल का वैल्यू क्या निकाले तो निकाले ए सेक स्क्वायर अल्फा फाई बाई, नहीं कुछ नहीं बाई, ए सेक स्क्वायर फाई और क्या लिखे डी फाई, और साइन थीटा कहां था, साइन थीटा ऊपर में ही है तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे कॉस फाई, हो गया ठीक है। अब जो है वैल्यू ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सेक एक्स ए कॉस एक्स ए तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक ही सेक बचेगा, तो सेक फाई और डी फाई, sec phi और d phi,
एक और इसमें है कि हम आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू क्या लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर, एक और चीज करना चाहिए था कि इसी पॉइंट पे आप आर का ही लिखे, फ्रॉम फिगर आर इज इक्वल टू आर का वैल्यू या कॉस फाई का वैल्यू लिखिएगा, क्या होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या हुआ, ए बाई आर। अच्छा यहां भी तो लिखे ही हमें, ठीक है, तो इस पॉइंट से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, अलग से निकालते हैं, कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर, तो आर का वैल्यू ए बाई कॉस फाई, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई ए बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, आर के जगह पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा सेक फाई आई इंटू डी फाई। तो जो वैल्यू होगा डीबी का वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए आई ए, और एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब आई बाई सीधे ए लिखेंगे, और ये जो होगा वो हो जाएगा सेक अल्फा ना होकर के अब सीधे हो जाएगा कॉस फाई, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप लिखिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखिएगा डीबी, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है फोर पाई, कांस्टेंट है आई, कांस्टेंट है ए, बच गया क्या कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई और डी फाई, कॉस फाई और डी फाई बच गया, ठीक है। कॉस फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है उसको साइन फाई करते हैं, और इसको मान लीजिए कि ये फाई वन है, ये फाई टू है, फाई वन फाई टू क्या है, तो फाई वन फाई टू है कि मान लिया जाए कि ये जो है इधर से चलते हुए ये फाई वन एंगल को करता है, और इधर कहीं कोई एंगल है जो इधर फाई टू करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक को तो प्लस लेना होगा और एक को क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा, तो प्लस किसको ले माइनस किसको ले, तो आपको पता होगा कि जब भी एंगल हम लेते हैं और इस डायरेक्शन में लेते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और ऐसे इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट वाले को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन को ऐसे ऐसे जो एंगल चलेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो आप फाई वन ले सकते हैं, फाई वन से लेके कहां तक, फाई टू तक ले सकते हैं। तो एक काम कीजिए, फाई वन आप इसी को मान लीजिए और फाई टू इसको मान लीजिए, तो फाई वन को आप क्या लीजिएगा, माइनस में ले लीजिए, अब फाई टू को प्लस में ले लीजिए, तो एंगल कितना बनेगा, फाई वन से लेकर के फाई टू तक इधर गए, ठीक है, फाई टू को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फाई टू फाई वन माइनस फाई वन से माइनस फाई टू तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाई, और ये हो जाएगा फाई वन माइनस फाई वन से फाई टू तक, ठीक है। अब कहां लिखे, चलो यहां लिखते हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट आया हमारा, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई, और ये जो आ रहा है आई बाई ए और साइन साइन फाई टू, साइन फाई टू माइनस, अब देखिए माइनस साइन फाई वन है, तो साइन ये हो जाता है माइनस, माइनस को लेंगे प्लस ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन फाई वन, ये ध्यान देना होगा, ठीक है, ये चीज समझना होगा। म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन फाई टू, इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हो। अच्छा फाई वन फाई टू अगर इनफिनाइट रॉड हो तो फाई वन और फाई टू क्या हो जाएगा, ये नब्बे हो जाएगा, फाई वन भी नब्बे फाई टू भी नब्बे, चूंकि अगर ये इनफिनाइट हो जाएगा तो ये एंगल बढ़ते 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 नब्बे हो जाएगा, तो ये नब्बे और ये नब्बे, अगर ये फाई वन और फाई टू क्या होता है नब्बे डिग्री हो जाएगा, कब होगा, जब इनफिनाइट हो, इनफिनाइट रड हो, तब इसका वैल्यू जो हो जाएगा बी इक्वल टू, शॉर्टकट में लिखिए, यही ज्यादा काम करेगा फॉर्मूला, ये टू आई बाई टू आई बाई ए हो जाएगा, यही मेन फॉर्मूला है, मान लीजिए ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, टू आई बाई, ठीक है।
दूसरा फॉर्मूला होता है कि मान ले जाए कि एक एक इंड पे, मतलब एक ही इंड हो, दूसरा इंड नहीं हो, ठीक है, कुछ मिटाते हैं। फॉर्मूला निकला हम लोग का कि b इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई पाई बाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये निकला। केस वन में क्या बता रहे कि अगर फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट करेंट कैरिंग कंडक्टर हो, स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर हो, स्ट्रेट लगा दीजिए, स्ट्रेट करेंट कंडक्टर हो, तो इस केस में बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई फोर पाई और टू आई बाई ए हो।